हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटिल फीट में। आज हमारा एक इनविटेशन है सत्यनारायण पूजा का, तो पूरी पलटन वहीं पे जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। सो फ्रेंड, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा स्वीट्स एंड फल खरीदने के लिए। लेट्स सी, दुकान में तो ज़्यादा गर्दी नहीं है। अभी मैं स्वीट की दुकान में थोड़ा सा स्वीट ले लिया। स्वीट तो हो गया, अभी थोड़ा सा फूड ले लेते हैं क्योंकि पूजा है। सत्यनारायण का पूजा हो गया है और अब हम वापस चल रहे हैं अपने घर के तरफ। मौसम बड़ा ही सुहाना है, बारिश नहीं हो रही है मगर धूप भी नहीं है। yes. 3 बज चुके हैं। अभी हम लोग जाते जाते कुछ अगर देखते हैं बंडल वगैरह तो जरूर आप लोगों के साथ। अभी गणेश चतुर्थी का 6th डे चल रहा है, तो सब जगह गली गली में गणेश पंडाल, गणेश मंडप लगे हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। पुणे का सबसे फेमस गणपति है दगड़ूसेठ गणपति। कुछ बताओ, दगड़ूसेठ गणपति सबसे फेमस है एंड उधर बहुत गर्दी होता है। अभी तो बहुत गर्दी होता है। अभी हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी अपना छोटा बेबी है और उधर ट्रैफिक भी बहुत रिस्ट्रिक्शन बहुत है उधर, मतलब नो एंट्री ऐसे बहुत है। तो हम लोग देखते हैं कब होता है एंड इफ़ नॉट पॉसिबल इन गणेश फेस्टिवल, हम आपको कोई एक बार गणेश चतुर्थी ख़त्म हो जाए, 10 दिन का गणेश जी का विसर्जन हो जाए, उसके बाद हम जाके आपको दगड़ूसेठ गणपति का दर्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी ऑन द वे हम घर जा रहे हैं और हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा रुक के कहीं पे किसी टपरी से चाय पी ली जाए, तो हम आए हैं इस टपरी में चाय पीने। तो हम पी रहे हैं चाय और ये चाय पीते पीते दीवान भी उठ गया है। दीवान के पापा चाय पी रहे हैं। दीवान को भी चाहिए चाय। मगर अफसोस दीवान अभी चाय नहीं पी सकता। चाय बहुत ही कम थी, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई। नमस्कार फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने देखा कि आज सुबह हम सत्यनारायण पूजा के लिए गए थे, तो मैं आपको थोड़ा बहुत सत्यनारायण पूजा के बारे में बता देती हूँ। जनरली सत्यनारायण पूजा में हम भगवान विष्णु का पूजा करते हैं एंड ये जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कहते हैं, अगर हमने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी तो हमारे लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं, जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाती है एंड काम में डेफिनेटली सफलता मिलती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में जब भी शादी होने वाली होती है या बेबी आने वाला होता है, नया घर लेते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या नया जॉब ज्वाइन करते हैं, तो ये सब कार्यों से पहले हम घर पर सत्यनारायण की पूजा करते हैं सो दैट हमें उस कार्य में सफलता मिले। तो जैसे कि सारे पूजाओं में होता है कि हम फल फूल और प्रसाद से भगवान को भेंट चढ़ाते हैं, उपवास रखती हैं घर की औरतें एंड सत्यनारायण पूजा में जो सत्यनारायण की जो कथा है वो जनरली जो भी घर की औरतें आती है या जो भी घर में गेस्ट आते हैं वो सब मिलके जो है ये कथा सुनते हैं। कहते हैं कि जो जो सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं उनके लाइफ में निश्चित ही उन्नति, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ आती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करती हूँ आपको हमारा आज का जो भी हमने वीडियो बनाया है वो आपको अच्छा लगे और ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, हम भी प्यार बरसाते रहिए। और अगर आप ऐसे ही हमें और हमारा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।